नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हाउ इज द जोश? जोश कैसा है आप लोगों का? क्यों? अरे भाई, शिवरात्रि आ रहा है अगले हफ्ते शनिवार को, सैटरडे 18 फरवरी शाम को पूरा शिवरात्रि का जो कार्यक्रम है वो आप सभी को करना है। और हर साल की तरह जैसा मैं शिवरात्रि के पहले एक वीडियो बिल्कुल बनाता हूँ आप सभी को याद दिलाने के लिए कि शिवरात्रि करना है, शिवरात्रि जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो गुरु परंपरा है स्वामी विशुद्धानंद परमहंसदेव ज्ञानगंज घराना, बाबा विशुद्धानंद जी का जितना भी संतान भक्त शिष्य जो कोई भी है उन सभी के लिए दुर्गाष्टमी जन्माष्टमी शिवरात्रि पालनीय है। और सबसे इम्पोर्टेंट शिवरात्रि ये महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग सीरियसली हमको लेना है और करना है। शिवरात्रि कैसे करना है, क्या मंत्र, क्या उपकरण, क्या नियम है, सब कुछ विस्तारित मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैं बनाया हूँ। आप गाइडेंस फॉर डिसाइपल प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, पूरा जो आध्यात्मिक कर्म कांड जैसा जो करना है, जो लोग हमारे गुरु परंपरा में जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे गुरु परंपरा में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग गुरु के खोज में है, सदगुरु के खोज में है पर अभी तक नहीं मिला, ठीक है, आप वो कर्म कांड कर सकते हैं जिसमें क्या है, एक शिष्य होने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी रहता है अगर ठीक से शिष्य आपका होना है। बाकी आश्रम में तो बुला कर दीक्षा देता है, वो अलग बात है उन लोगों का। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग वो देखते हैं और बाकी भी सिद्ध गुरु परंपरा में वो देखना चाहिए। तो उसका शिष्य बनने के लिए भी योग्यता का जरूरी वो है। तो वो जो गाइडेंस फॉर डिसाइपल जो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है वो जितना आप लोग करोगे एक आध्यात्मिक एक अच्छा आधार के रूप में आप और ज़्यादा निखरोगे, ठीक है ना। तो वो आप फॉलो कर सकते हो और उस पर शिवरात्रि कैसे करना है, शिव पूजा कैसे करना है, सभी चर्चा में अच्छी तरह से मैंने कहा है। तो शिवरात्रि कैसे करना है उस वीडियो का लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ज़्यादा कि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। उसमें पूरा मैंने विस्तारित पद्धति से मैं कहा है कि शिवरात्रि कैसे करना है। और एक सवाल किसी ने मुझे पूछा था, क्योंकि शिवरात्रि के महीने भर पहले से ही मैं अपने मेरे जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सभी को मैं हिलाने लगता हूँ, शिवरात्रि है, शिवरात्रि है, ठीक है ठीक है। तो किसी ने मुझे पूछा कि गुरुदेव हमारे यहाँ तो शिवलिंग नहीं है, वो बाहर रहते हैं। तो कोई व्यक्ति बाहर है, शिवलिंग नहीं है अपने पास, तो क्या किया जाए? तो पास के किसी पड़ोस में जो शिव मंदिर है वहाँ पर जाके आप शिवरात्रि कीजिए और एक ही प्रहर में चारों प्रहर का पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। फिर घर वापस आइए और फिर अपना कोई पुरुषचरण का संकल्प ले सकते हैं। पुरुषचरण कैसे करें वो भी बताया है वीडियो में, गाइडेंस फॉर डिसिपल्स अगेन यू कैन चेक। पुरुषचरण के लिए शिवरात्रि बहुत अच्छा है, हवन कर सकते हैं, चंडी का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तोत्र कर सकते हैं, वो तो रात भर वो चलता ही है, शिवरात्रि होता ही इसलिए, ठीक है ना। तो वो है, तो क्या है किसके पास शिवलिंग नहीं है वो जाके पड़ोस में शाम के वक्त करना है, दिन में नहीं जाना है। शिवरात्रि रात का पूजा होता है, दिन का पूजा नहीं होता है, ठीक है। मैं अपने जो शिव मंदिर है वहाँ पे देखता रहता हूँ कि सब दिन में शिवरात्रि करने के लिए आ रहा है, कमाल की बात है। और मैं खुद खड़ा होकर पूजा करवाता हूँ, क्योंकि एक पब्लिक अगर क्लब का कुछ चल रहा है तो उसमें करना पड़ता है। पर मैं आपको कहूँगा शिवरात्रि रात का पूजा होता है, शाम को कर सकते हैं, दिन में उसका कुछ काम नहीं है। अगर कोई विशेष कारण वश किसी को शारीरिक समस्या है, किसी के पारिवारिक समस्या है, चाहे तो सुबह जाके शिव मंदिर में अगले दिन माने इस बार आप रविवार को सुबह आप मंदिर जा सकते हैं, पर दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज वेल, बिल्कुल वो रिकमेंड नहीं है। तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो बाकी तो फिर वो जैसा चलेगा। अगर आपके पास शिव है तो लगे रहिए रात भर। तो शिवरात्रि करना है, भूलो मत, ठीक है ना। इस बार शिवरात्रि स्पेशल है, क्योंकि क्या है, मैं लोगों को बोलता हूँ शिवरात्रि करना है तो लोग बोलते हैं क्या,
शिवरात्रि में छुट्टी नहीं मिलता, अगले दिन ऑफिस जाना पड़ता है। किसी को स्कूल है, किसी को कॉलेज है, किसी का नौकरी है, प्राइवेट कंपनी है, बिजनेस है, शिवरात्रि में छुट्टी कैसा? तो रात भर जग के अगले दिन काम पे जाना है। तो इसलिए क्या है, मैं लोगों को बोलता हूँ ठीक है, वो भी व्यावहारिक चीज़ों को भी हमको वो ठीक से देखना है, तो फिर छोड़ो, आपका माफ़ी, शाम को थोड़ा बहुत कर लेना, 10-11 बजे तक, रात को जितना कर पाओ, फिर सो जाना। कभी कभी मैं भी 2-3 घंटे के लिए रात को सो जाता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। पर इस बार शिवरात्रि पड़ा है सैटरडे नाइट को, तो क्या अगले दिन संडे को छुट्टी, तो रात भर आप बिल्कुल जाग सकते हो, अपना आध्यात्मिक काम कर सकते हो, संडे को अच्छे से नींद जाना भाई, संडे को सुबह थोड़ा सा 7-8 बजे के, 10-11 बजे नहीं तो दोपहर को लंबा नींद ले लेना, उसमें कोई मना ही नहीं। तो उसमें क्या है, सैटरडे नाइट को जो जगा हुआ है वो पूरा एग्जॉस्ट आपको निकल जाएगा। तो इस बार कुछ एक्सक्यूज़ मुझे मत देना, क्योंकि अगले दिन छुट्टी है, ऑफिस किसी का नहीं है, तो बिल्कुल ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं, मैं 15-16 साल से शिवरात्रि कर रहा हूँ, तो जितना तक मुझे याद आ रहा है, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है कि सैटरडे नाइट को शिवरात्रि मिल गया। बिल्कुल करना, बिल्कुल अवश्य करना। और एक स्पेशल मैं सोचा हूँ कि इस बार करने के लिए, जैसा मैं वीडियो में भी कहा है कि बाबा विशुद्धानंद जी का जो डेली स्केड्यूल वो जाते हैं, वो डिसिप्लिन वो जाते थे, और एक बार शाम, वो शाम दिन भर लोगों से मिल लिए, कभी कभी शाम हुआ, शाम को संध्या निक के लिए बैठ जाते थे, संध्या निक ख़त्म करके 7-7:30 बजे 1-1.5 घंटा अपने लोगों के बीच रहते थे, फिर अपने घर में वो चले जाते थे। और एक बार अपने घर में गए तो सुबह 7-8 बजे तक किसी को वो दिखाई नहीं देते थे, कभी थोड़ा सा विश्राम लिए, फिर रात भर वो अपने क्रिया में वो बैठे रहते। बाबा विशुद्धानंद जी का इतना स्ट्रिक्ट डेली शेड्यूल था और वो करते थे, पर एक दिन एक्सेप्शन था। क्या वो एक दिन? शिवरात्रि के दौरान। शिवरात्रि के दौरान बाबा विशुद्धानंद जी रात भर अपने शिष्यों के साथ बैठ के गपशप करते, उन लोगों को उत्साहवर्धन करते और मिलकर शिवरात्रि पालन करते। तो आप सोच लीजिए कितना महत्व इसको दिया जाता था हमारे गुरु परंपरा में आज भी। और मैं अपने गुरु को देखा है, शायद किसी वीडियो में मैं कहा भी हूँ, 90 साल तक उनका उम्र, 90 ईयर्स ईयर्स क्रॉस्ड, और दिन भर वो पूरा फास्टिंग करके बैठे हुए, कभी थोड़ा सा चाय पी लिया, कभी थोड़ा सा जूस पी लिए, शरीर का हाल एकदम खराब है उनका, शरीर अच्छा नहीं है, फिर भी अपना जो संकल्प है वो एकदम शुद्ध संकल्प लेके बैठे हुए हैं शिवरात्रि के दिन। और बंडूल में मैं उनके साथ दिन भर उनका संग में कर रहा हूँ, शायद किसी वीडियो में मैं बताया है। तो बहुत पास से देखा है कि हमारे गुरु ने हमको क्या सीख दिया है, और सच्चे शिष्य क्या होता है कि गुरु का फोटो लगा ले, उसमें माला दे, उसको अगरबत्ती दिखाए, नहीं, सच्चा शिष्य वो होता है जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे वो चले, उनके आदेश अनुसार काम करे, तब जाके कोई सच्चा सच्चा शिष्य वो कहते हैं। नहीं तो चापलूसी किसी को किसको चाहिए भाई, चापलूसी? गुरु को भोग लगाओगे, फिर भोग वही भोग फिर आप ही खाओगे नहीं है। ठीक से, त्याग से, संयम से, त्याग, तितिक्खा, संयम, धैर्य, मन का स्थित रख के संयम करके पूरा काम करना है, गुरु के दिया हुआ जितना भी निर्देश है बराबर उसको करना है, तब जाके कहते हो आप सच्चे शिष्य। और वही शिष्य का धर्म है, वही शिष्य का मेन कर्म है, ठीक है ना? तो शिवरात्रि करना है। तो बाबा विशुद्धानंद जी वो क्या था, रात भर वो रहते थे। तो इस बार किसी ने, पिछले महीने जो गूगल मीट हमारा रहता है, हर महीने बैठते हैं, तो लास्ट गूगल मीट में शिवरात्रि ही हमारा मेन डिस्कशन टॉपिक था, करना है। मैं सभी को कहते हूँ करो करो, करना है। तो उधर कहे कि भाई शिवरात्रि के दौरान आप भी रात को थोड़ा सा अगर कुछ मीट, गूगल मीट आप ऑर्गेनाइज कर पाए, क्योंकि क्या है, अकेले बैठे रहते हैं, ये तो सही बात है। मैं अपने ज़िंदगी में, अपने एक्सपीरियंस से मैं देखा हुआ हूँ कि आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत अकेला है, बहुत अकेला है आध्यात्मिक व्यक्ति, किसी को शायद वो रेयरली कभी मिक्सअप वो कर पाता है, कभी स्कूल में कोई पढ़ता है, कॉलेज में कोई पढ़ता है, ऑफिस में या बिजनेस में, वो काम तो बिल्कुल करता है पर वो अकेला होता है।
और हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति शायद अकेला ही होता है। तो फिर अभी तो इसलिए ये चैनल खोला हुआ है भाई, क्योंकि जो लोग थिंक अलाइक है, मेरे सोच के साथ वो लोग अपना कनेक्ट कर पाते, वही लोग मेरे वीडियो मुझे सुनते हैं। तो हम लोग सब एक साथ हैं। तो क्या है, तो इस शिवरात्रि को मैं रात को गूगल मीट करने वाला हूँ। दैट विल बी ए स्पेशल वन। रात को 1 बजे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है विशुद्धानंद घराना, उस व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं बहुत बहुत रेयरली कुछ पोस्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ चलता है, पर हमारे हरीश दादा है, हरीश रामा स्वामी जी, वो रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग वो डालते रहते हैं, जिसमें ग्रुप का जो एक कहते हैं क्या, एक औहदा वो बना के रखे हैं। अच्छा काम है, वो बाबा का काम करते हैं वो। मैं रेयरली कुछ पोस्ट करता। तो शिवरात्रि के इस शिवरात्रि रात को 1 बजे, 1:15, 12:45, 50 तक मैं लिंक भेजूँगा, और रात को 1 बजे गूगल मीट रहेगा 1 से 3 बजे तक। क्यों ऐसा, ये टाइम क्यों लिया भाई? जैसा मैं आपको कहा, क्योंकि ये शिव मंदिर है वर्धमान में, मैंने शिव मंदिर में नर्मदा परिक्रमा से लेके आए थे, तो उसका मंदिर है। तो प्रथम प्रहर का जो पूजा होता है वो मैं घर के करके मैं शिव मंदिर जाने वाला हूँ। शिव मंदिर में भक्त जो लोग आएंगे उन लोगों को मैं पूजा करवाऊँगा। पूजा करवाते करवाते शायद रात को 10:30-11 बजे तक मैं घर वापस आऊँगा। घर वापस आके जो द्वितीय प्रहर का पूजा होता है 9 से 12 PM, तो उसमें वो द्वितीय प्रहर का पूजा ख़त्म करूँगा। तृतीय प्रहर होता है 12 से 3 बजे तक, तो 12 बजे तक तृतीय प्रहर का पूजा बैठने के लिए वो हो जाएगा। तो 12:30-1 बजे तक रात को तो तृतीय प्रहर का पूजा, उसके बाद चौथा प्रहर होता है 3 से 6 बजे तक। तो ये बीच का जो टाइम होता है ना वो कटता ही नहीं, और किसी किसी को नींद का झपकी तो आ ही जाता है। और बाबा विशुद्धानंद जी उसी वक्त देखते थे कि लोग सो ना जाए, काज कर्म का जो गंभीरता वो बना रहे। तो इसीलिए 12 बजे तृतीय प्रहर का पूजा आरंभ होगा, आप बिल्कुल पूजा करिए। और 12:50 तक मैं लिंक शायद भेज दूंगा, देखते हैं, भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो फिर 1 बजे मीटिंग शुरू करेंगे। तो मीटिंग में आप लोग जो लोग शिवरात्रि कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप लोग ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए भाई। एक दूसरे के सब गुरु भाई गुरु भगनी है, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सब बाबा का ही संतान है। तो मिलके थोड़ा सा मैं कुछ सत्संग करूँगा, आप चाहे तो कुछ सत्संग कर सकते हैं, मैं पीछूँगा। कोई अगर शिव पुराण का कुछ कहानी सुनाना चाहते हैं कह सकते हैं, कोई किसी का अगर भजन करना है कर सकते हैं, किसी कोई का आवृत्ति करना है कर सकते हैं, किसी को कुछ सवाल है मुझे पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं, थोड़ा सा गपशप करेंगे। रात के वक्त हर कोई तो एकदम पूरा उसका हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि लोगों को क्या है, दिन भर थका आ रहा, सैटरडे को भी किसी को काम रहता है ना, किसी को 5 डेज ए वीक, किसी को तो 6 डेज ए वीक काम करना होता है। तो 6-7 बजे तक तो कोई ऑफिस से भी लौटेगा, फिर रात को अनिरुद्ध जी आपने जगा के बिठा रखा है तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो 2-2.5 बजे तक देखते क्या होता है, कुछ गपशप करेंगे। फिर 3 बजे तक क्या है, चतुर्थ प्रहर का पूजा आरंभ हो जाएगा। चतुर्थ प्रहर का पूजा कर ख़त्म करेंगे। चतुर्थ प्रहर का पूजा ख़त्म करने के बाद ब्राह्म मुहूर्त, तब सोने कौन जाता है भाई। तो क्या है, एक कहानी याद आ गया, अभी बताएंगे आप उनको। तो चतुर्थ प्रहर का पूजा हो गया, तो उसके बाद ब्राह्म मुहूर्त, तो जिसका दीक्षा हुआ है वो अपना क्रिया लेके बैठ जाएंगे, जिसको दीक्षा नहीं हुआ है वो किसी भगवान का नाम लेके बैठ जाएंगे, जो लोग ब्राह्मण है वो गायत्री लेके बैठ जाएंगे। तो फिर सुबह हो जाएगा, तो फिर अगले दिन जैसा मैंने कहा है आपको, ब्राह्मण भजन करवाने के लिए, कुमारी करवाने के लिए, वो वीडियो में सब डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो ऐसा करके फिर शिवरात्रि का व्रत का जो पाठ होता है वो करेंगे, करते करते सुबह तक तो निकल ही जाएगा। तो नित्य कर्म खत्म करते करते सुबह 7-8 बजे तो बज ही गया। तो उसके बाद देख लो, अगर शादीशुदा हो तो कुछ बाजार में सामान लाने के लिए जाना पड़ता है, अगर बैचलर हो तो फिर सो जाना सुबह 2:12 बजे तक, कौन पूछता है भाई, ठीक है ना। तो ऐसा करके कर सकते हैं। तो इसी इस बार यही होगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक मिलेगा। तो रात को सब बैठेंगे,
अच्छे से सत्संग करेंगे, एक दूसरे का हौसला अफजाई करेंगे, भाई भाग भाई आके खोल के देखो शिवरात्रि चल रहा है, सोना नहीं है, भगवान के नाम में बैठना है। क्योंकि शिवरात्रि का अगर व्रत कथा आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे रात्रि जागरण और फास्टिंग का ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। पर फास्टिंग के लिए भी मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन करके रखा हूँ, जो लोगों को दवाई लेना होता है, शुगर लेना होता है, प्रेशर का वो सब है, तो वो हमको फास्टिंग थोड़ा सा वो अपने हिसाब से वो देखना है। शरीर थोड़ा सा सही रहेगा, शरीर को स्वस्थ रखना है, तभी तो जाके फिर आध्यात्म काम कर सकते हैं। फास्टिंग करके किसको लूज मोशन हो गया, किसको माइग्रेन हो गया और फिर भगवान का नाम ले पाए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि पहले का दिन कुछ और था, हमारा जनरेशन उतना भी तो तकलीफ वो फिर वो नहीं होता है कभी कभी। तो खैर, तो कहानी क्या है, कहानी बता के आज का जो शिवरात्रि के लिए आप लोगों को जो मुझे थोड़ा सा चार्ज करना था, ये वीडियो आज इसको समाप्त करेंगे। और आप लोग पूरे हफ्ते भर तैयारी कीजिए कि हमको करना है, बिल्कुल करना है। आध्यात्मिक का बात लोग करते रहते हैं, धर्म का बात, धर्म धर्म, कोई धर्म का ढोंग करता है लोगों के लिए, वाहवाही के लिए। लोग सोचता है धार्मिक व्यक्ति ये बहुत अच्छा है, भाई ये तो हर वक्त वो होता नहीं है। आप दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हो, धर्म का बात तो मुंह में चलना क्या है, पर सही काम है जो धर्म का अभ्यास करे। धर्म 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 वो ऊपर ऊपर वो नहीं होना चाहिए, सच में जीवन में धर्म का अभ्यास होना चाहिए। तो इसमें पाप होगा उसमें पुण्य, पाप खाए होगा कि पुण्य मिलेगा उसमें हमको जाना नहीं है, उसको करके क्या स्वर्ग लाभ होगा वो भी मुझे पता नहीं है। पर धर्म से जीवन तो जैसा हर किसी का वो तो है ही, पर धर्म से जीवन में एक अलग, जीवन को जीते जी एक अलग सुख का एहसास होता है और धार्मिक व्यक्ति को उसी को लेके आगे बढ़ना है। धर्म का काम करने से व्यक्ति धार्मिक बनता है, ना कि धर्म के बात कहने से कोई व्यक्ति धर्मवान बनता है। तो कर्मेभ्यो नमः बाबा विशुद्धानंद जी कहते रहते हैं, मैं भी वही बात को दोहराता हूँ, अलग तो कुछ कहना नहीं है, आपको भी मन में वही आदर्श रख के चलना है। तो रात्रि जागरण का एक कहानी, बस ये वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में वो आ गया। विजय कृष्ण गोस्वामी जी करीब 12 साल वो नहीं सोए, 12 साल वो नहीं सोए। लोकनाथ ब्रह्मचारी जी वो कभी सोते नहीं, उसको क्या था, वो बैठे बैठे ही थोड़ा सा एक दीवार में ऐसा ठीसा लगा के वो जग के घूम के ऐसा कुछ रहते थे, पर वो सोते नहीं। तो वो क्यों नहीं सोते, क्योंकि वो कहते थे अगर सोएंगे तो मोह पकड़ लेगा, पता नहीं क्यों। और विजय कृष्ण गोस्वामी जी सोते नहीं थे, तो 12 साल उन्होंने नहीं सोए, 12 साल खूब तप किए। तो कुलदानंद ब्रह्मचार्य जी उनका जो शिष्य थे, तो वो विजय कृष्ण गोस्वामी जी के साथ रहते थे, तो रहते थे पास में, उधर विजय कृष्ण गोस्वामी जी बैठे हैं उनका आसन है, बगल में कुलदानंद ब्रह्मचारी जी का आसन है, और बैठे देख कभी वो साधना कर रहे, कभी गुरु साधना कर रहे, कभी ब्रह्मचारी जी साधना करते करते गुरु को देख रहे हैं। उनका क्या था, साधना करते करते वो गुरु को ध्यान करते थे, ठीक है ना, गुरु को ही वो सर्वैव देवता मानते हैं। तो ऐसा वो देख रहे हैं, शाम हो गया, शाम को कीर्तन चलता है, विजय कृष्ण गोस्वामी जी थोड़ा सा प्रवचन रखते हैं, लोगों को धर्म के काम में उत्साह आता है, फिर कीर्तन होता है, तो शाम को फिर 7-8 बजे तक लोग चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ भोजन होता है, कुछ वो सब भोजन, रात का तो खाना कुछ होता ही है, तो भोजन भी वो सब हो गया। तो उसके बाद हर कोई धीरे धीरे फिर सोने को, रात को 9-10 बजे तक सोने के लिए वो सब तैयार हो रहा है अपने अपने जगह पे। तो कुलदानंद जी पास में बैठे हुए देख रहे, विजय कृष्ण गोस्वामी जी बैठे हैं, तो पूछ रहे कि गोस्वामी जी प्रभु आप अभी सोएंगे नहीं? नहीं अभी तो देर है, सोएंगे अभी, तब 10 ही बज रहे हैं, सोने के लिए पूछ रहे, नहीं सोएंगे, देरी है अभी सोएंगे, ठीक है चलो 10 बज गया, फिर 11-12 बज गए, 11-12 बज गए, तो बोल रहे तो गोस्वामी जी अभी आप सोएंगे नहीं क्या? तो गोस्वामी जी बोल रहे नहीं नहीं अभी सोएंगे क्यों, अभी तुम पता है तुम देर है, रात को देर है, सोएंगे। अभी 12 से फिर 2 बज गए, 1-2 बज गए, फिर से पूछ रहे गोस्वामी जी सोएंगे नहीं क्या? वो देख रहे गुरु को, वो परीक्षा ले रहे, क्योंकि गोस्वामी जी रात भर नहीं सोते, लोग कहते बाबा जगे हुए रहते, देख रहे रात को 1-2 बज गए, क्या आप सोएंगे नहीं क्या? नहीं नहीं अब कौन सोता है,
अभी रात्र में जगे रहना है, क्योंकि रात को क्या है, जो महापुरुष लोग होता है वो शून्य मार्ग में भ्रमण करते रहते हैं, और शून्य मार्ग में भ्रमण करते करते रात को जो साधक बैठ के साधना करते हैं उनके ऊपर उनके उन लोगों का ब्लेसिंग रहता है, तो रात को भी सोना नहीं, सोएंगे सोएंगे। तो अभी तो वो उसको क्या कहते हैं, योगी का जो रात होता है वो रात को 10:30 के बजे बाद शुरू होता है, 11 बजे से शुरू होता है, 11 से 12 महा महाखंड, 12 से 3 महाखंड ऐसा होता है, 10:30 बजे कहते हैं उसको आधार। तो योगी का दिन होता है रात को। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी बोले अभी तो सब रात को घूम रहे हैं, तो अभी तो साधना करना है, सोएंगे सोएंगे। तो करते करते एक दो भी निकल गया, फिर 3-4 वो आ गया, तो पूछ रहे कुलानंद ब्रह्मचारी जी, बाबा प्रभु आप अभी सोएंगे नहीं क्या, रात निकल गई, अभी रात निकल गया, अभी कोई सोता है क्या, अभी तो ब्राह्म मुहूर्त है, ब्राह्म मुहूर्त तो भगवान का बुलाने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त, इस वक्त को कोई सो के क्या खो देता है, अभी तो सोना ही नहीं है, अभी तो ब्राह्म मुहूर्त है, तो बैठ के साधना करना है, तो भगवान को बुलाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो ब्राह्म मुहूर्त भी निकल गया, सुबह भी हो गया, तो अभी सब कोई उठ रहा है और गरम गरम चाय लेके आओ, चाय पियेंगे, गुड मॉर्निंग। तो ऐसा है कुलानंद ब्रह्मचारी जी का, वो रात भर वो बाबा को कह रहे हैं सोने के लिए और बाबा कुछ ना कुछ वो कह रहे हैं। तो वो लोग गुरु शिष्य का बात है, और अगर अपने बाबा विशुद्धानंद जी का बात कह लो, तो उधर एक किताब है विशुद्ध वाणी करके, तो विशुद्ध वाणी में मुनिन्द्र मोहन कविराज जी का आप देखोगे, मुनिन्द्र मोहन कविराज जी बाबा विशुद्धानंद जी के साथ रहते थे, तो वो कविराज जी को वो कहते थे रात को बैठ के साधना करो, और कविराज जी को सोए नहीं आए तो बाबा विशुद्धानंद जी उनको जगा देते थे, ठीक है ना। गुरु के साथ रहना आसान नहीं है भाई गुरु के साथ वो रहते थे, सेवक थे, सेवा करते थे, तो विशुद्धानंद जी उसको रात को उठ से सोने नहीं देते थे, उनको हिला के ऐसे जगा देते थे, बोलो उठो भाई करो काम करो भाई, सोने का क्या है। और मुनिन्द्र मोहन कविराज जी ने कहा है कि वो अपने जो सिर का बाल है वो ऐसे दरी दरी मतलब क्या कहे रोप रोप से वो पकड़ के ऐसे खींच के रख देते थे, तो उसको झपके आएंगे तो खींचेगा तो नींद से वो टूट जाएगा। तो ऐसा मुनिन्द्र मोहन कविराज जी ने भी अपने अनुभव कहा है। विशुद्ध वाणी वो किताब वो निकलता था, गोपीनाथ कविराज जी उसका पब्लिश करते थे, एक मैगजीन निकलता था, तो उसका 10-10 वॉल्यूम निकले थे, उसके बाद वो स्टॉप हो गया। विशुद्ध वाणी किताब शायद वो बंगाली में है, बनारस आश्रम में मिलेगा नहीं आपको, कलकत्ता में महेश लाइब्रेरी में खोज करेंगे तो वो पूरा अभी एक वॉल्यूम में पूरा मिलता है, वो आप शायद अगर मार्केट में अवेलेबल है तो मिलेगा। तो उधर मैं मनिन्द्र मोहन कविराज जी का पढ़ा था कि बाबा विशुद्धानंद जी भी सोते नहीं थे और जो उनके साथ रहते थे उसको भी सोने नहीं देते थे। तो क्या है, पर हम सोएंगे ऐसा नहीं, बस शिवरात्रि में थोड़ा सा छूट है, पर मैं भी सो लेता हूँ, क्योंकि क्या है प्रैक्टिकल चीज़ें भी वो है, जैसा मैं कहता हूँ काम भी बहुत ज़रूरी है, परिवार भी बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक भी करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बस टिके रहना है मार्ग पे, बस ये ज़रूरी है। एक दिन बहुत कर लेंगे भाई बिल्कुल नहीं, और एक दिन बिल्कुल नहीं करेंगे वो भी नहीं, कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़रूरी है, मार्ग पे टिका रहना है। और बाकी रात्रि जागरण के लिए शिवरात्रि ठीक है भाई, एक रात्रि वही मैनेज कर लेंगे, बाकी तो अभी किसी किसी का अभी वर्क प्रेशर इतना रहता है, शिफ्टिंग ड्यूटी होता है तो नाइट ड्यूटी भी किसी को करना पड़ता है। खैर चलो इतना वो है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो शिवरात्रि कैसे करना है उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, शिव पूजा कैसे करें, फिर भी कोई नया अगर मेरे वीडियो नए देख रहे हैं तो उसके लिए भी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिए, बाकी चैनल में तो बाकी सारा कुछ कहे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, शिवरात्रि बिल्कुल कीजिए, मिलेंगे शिवरात्रि को रात को 1 बजे आप सभी से, और सैटरडे संडे मेरा रेकी का क्लास रहता है, तो पता नहीं अगर कोई स्टूडेंट आ जाए तो आई एम नॉट श्योर मीटिंग कितना क्या होगा, तो उसके लिए कुछ वो आप अपडेट अगर रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालेंगे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं रहता तो बिल्कुल शिवरात्रि का पूरा प्रोग्राम जैसा कहा है वो ऑन है, अगर रेकी का कोई स्टूडेंट रहता है सैटरडे संडे को तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि रेकी क्लास के दौरान फिर मुझे शक्तिपात करना होता है, मेरा भी एनर्जी बहुत ड्रेन होता है, तो फिर शायद मुझे थोड़ा सा रात को रेस्ट लेने का ज़रूरत पड़ जाए।
तो मोटा मोटा अभी तक तो पकड़ लीजिए कि शिवरात्रि का रात का प्रोग्राम ऑन है। शिवरात्रि मैं भी करूँगा अपने घर पे, रात को भी आपसे मिलूँगा। और जैसा मैं आप लोगों को कहता हूँ वैसा मैं खुद करता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ तभी जाके आपको कहता हूँ, तो बिल्कुल ऐसा करूँगा। तो अगर रेकी का कुछ क्लास तो वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसके लिए अपडेट मिलेगा। बाकी जैसा कहा आज के वीडियो पूरे वीडियो में वही होगा, शिवरात्रि के लिए मेरे साथ आपके साथ वही प्रोग्राम फिक्स रहा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए, शिवरात्रि का पालन कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, नमस्कार।